बाबा जी बताइए थोड़ा सा ये रिसर्च फैसिलिटी कितनी बड़ी है यहाँ पे, यू नो आप क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं? ये तो यहाँ का टिश्यू कल्चर लैब है, अलग अलग बीमारियों के बीमार सेल्स को थोड़ी मात्रा में लेकर के आते हैं और उनके ऊपर फिर दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इन विट्रो, इन वीवो, फिर एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं हम कहते हैं हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा, और जैसे कोरोना की दवाई थी तो हमने वो भी पहले उसका इन विट्रो इन वीवो किया, फिर ह्यूमन ट्रायल किया। कोरोना की दवाई पे लेके काफी हंगामा हो गया कि वो कोरोना को पूरा ठीक नहीं करता, ज्यादा इम्यूनिटी के लिए। दरअसल बात क्या है, एलोपैथी वाले पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलके साइंटिस्ट मिलकर कोई दवा ना बना सके। अभी इनको ऐसा लगता है कि भगवे कपड़े पहनने वाले सन्यासी ये कैसे दवाई बना सकते हैं। तो हमने कहा भाई नेचर के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी जो फैसिलिटी नहीं है, हमारे करीब 500 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, हमारे पास में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेटअप है और आगे हमारा कम से कम 5,000 करोड़ रुपए इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लगाने वाले हैं, तो कितना बड़ा काम है। अब इसको भी कोई स्वीकार ना करे। कोरोनिल अभी भी मार्केट में है और उसके सेल्स कैसे चल रहे हैं? जब कोरोना का पीक हो जाता है तो हमारे पास 5-5, 10-10 लाख किट का ऑर्डर आता है डेली का। जो भी 60-70 करोड़ लोग इस देश में कोरोना से संक्रमित हुए तो मुश्किल से 10% लोग गए होंगे हॉस्पिटल्स में, 90% लोग किससे ठीक हुए? अपने इनिट इम्यूनिटी से, योग से, आयुर्वेद से, गिलोय से, तुलसी से, हमारे बताए हुए प्रयोग से 90% लोग ठीक हुए। इन सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों से 10% और उसमें 10% में कितने लोग ऊपर गए, कितने बचे, फिर एक और नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये जो आप अलग अलग दवाइयां देखते हैं, जैसे हमने B12 तैयार किया तो वो कौन से तैयार किया? गुलाब के फूल से और पंपकिन सीड, इससे हमने विटामिन सी तैयार किया। ये हमने कोलेजन प्रास तैयार किया, इसकी 2 चम्मच खा ले तो आदमी की 100 साल तक चमड़ी ऐसी रहेगी जैसे 25 साल में होती है। ये इतना ये मैं अभी खिला रहे हैं, आप खा करके देखो। खाने में बड़ा टेस्टी है। इट्स गुड, इट्स लाइक रास्पबेरी जैम। ऐसे हर दवाई हमने ऐसे प्लांट से तैयार की। और न्यूट्रेला भी यहाँ पे, ये तो आपका बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन हो चुका है रुचि सोया एक्विजिशन के बाद। मैं यदि पूरी रुचि सोया की कहानी बताऊं तो हमने करीब 4,300 करोड़ में ये कंपनी एक्वायर की। आज इसकी मार्केट कैप कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, 25 से 30 हजार करोड़ जी, और आने वाले समय में ये 50 हजार करोड़ तक जाएगी कि 1 लाख करोड़ तक जाएगी, ये तो समय बताएगा जी। लेकिन अब रुचि सोया कंपनी एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं, वो फूड और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी हो गई है जी। जो कि आने वाले समय में देश के अंदर ब्रांड पोर्टफोलियो के अंदर वो ब्रांड लीडर होंगे जी। हम इंटरनेशनली भी रुचि सोया को, पतंजलि को एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे।